नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। हमारे कुछ व्यूवर्स ने पूछे ये, उस व्यूवर्स का जवाब देते हुए, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन लगने वाली है, जिस एग्जामिनेशन को देखते हुए देश के तहत देखते हुए आज इंग्लिश विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में यानी कि इंग्लिश के विषय में किस चैप्टर से कहाँ से कौन से कितने प्रश्न पूछने वाले हैं इस बार एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2019 में, इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे कुछ व्यूवर्स का सवाल थे जिनका जवाब आप सभी के वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके भी दिल में, आपके भी मन में कोई सवाल है तो नीचे शब्दों में बयां कर दें, उस शब्दों को हम किसी भी वीडियो के माध्यम में बयां कर देंगे और आपको बता देंगे कि उसका जवाब कैसे होना चाहिए। तो आज का टॉपिक्स बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इंग्लिश विषय से किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है, इस बार एग्जामिनेशन के पैटर्न यही रहेंगे। तो कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हनी रॉय हमारे एक बहुत ही व्यूवर्स से, बहुत ही अच्छे व्यूवर्स से जो हमेशा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, इनके लिए, हनी जी के लिए, हनी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भी हनी राय को धन्यवाद कहें क्योंकि हनी राय ने जो है इंग्लिश पूछे गए कि इंग्लिश के जो पेपर में जो 25 क्वेश्चन जो रहने वाले, वो 25 क्वेश्चन जो अलग अलग तरह तरह का किस प्रकार से क्वेश्चन, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के विषय में इन्होंने पूछे। तो हनी के लिए सभी लोग, हनी रॉय के लिए सभी लोग एक बार जरूर से थैंक्स लिखे, मेरे लिए ना सर, हनी के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप दूसरा भी सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं जैसे कि मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, तो नीचे अभी कभी तुरंत कमेंट करके बताएं ताकि हम अलग अलग सब्जेक्ट का कि कितने क्वेश्चन कहाँ से, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे बातें हम इस बात में, इस वीडियो में जानकारी देंगे। खास करके ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए चाहे, रीजनिंग के लिए चाहे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चाहे, तो अलग अलग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अलग अलग जितने ज़्यादा, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी का वीडियो सबसे पहले आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है, हम कमेंट का जवाब को देखते हैं और पहचानते हैं। ऐसे में क्या होते हैं, हम हमारे और बच्चों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाते हैं जिसके कारण उसे पहचानने लगते हैं कि नहीं, ये बच्चे जो है कि अच्छे पढ़ने में। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपका कमेंट का जवाब भी नहीं देते हैं और ना ही कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि आप हमारे भी व्यूवर्स हैं। जैसे जैसे कि इन्होंने कमेंट किए तो इनका जवाब हम किसी भी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो धनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस वीडियो में कमेंट किए, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिर मिलते हैं, चलिए देखते हैं कि आगे जो है इसमें किस प्रकार का जानकारी दिए गए। लेकिन दोस्तों पहले बता दें कि आज का सवाल है बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, यदि आप जानते हैं तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर से जरूर बताइएगा। खास करके वही बच्चे ही कमेंट करें जो सच में और सक्सेसफुल में वन बार में अपने एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं। तो आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रगान क्या, बहुत ही सिंपल सा है, जब से आप पैदा हुए आई होप आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो भारत में रहना ही छोड़ दें आप, क्योंकि यह इतने आसान सा सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पाते हैं दोस्तों तो आप एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाइड कर पाएंगे, कैसे आप निकाल पाएंगे, थोड़ा सा शर्मिंदा वाले महसूस है। इसीलिए अभी कभी तुरंत कमेंट करके लिखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं सिर्फ वीडियो को देखते और भाग जाते, ना ही वीडियो को लाइक करते, ना ही शेयर करते, ना ही कमेंट करते। तो इसीलिए ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, जरूर से जरूर कमेंट करें। ऐसे समझें कि आप एसएससी का एमटीएस सच में परीक्षा देने जा रहे हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए और यही जवाब आपके पास आने वाले। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो एसएससी एमटीएस 2019 के टीयर वन में कौन से चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछने वाले, पूरी जानकारी हम यहाँ पर एकत्रित किए हैं और आप सभी के पास यहाँ पर प्रस्तुत करने का कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके समझते हैं कि इसमें जो किस किस प्रकार से कौन से विषय में कौन से क्वेश्चन रहने वाले। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, जो मिडरेट में पूछे जाएंगे, ना ही भारी पूछे जाएंगे, ना ही आसान पूछे जाएंगे, यानी मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसके बाद बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कम से कम दो क्वेश्चन रहेंगे, इजी से लेकर मीडिएटेड तक आपका पूछे जाएंगे, यानी कि आसान भी पूछे जाएंगे और थोड़ी सी मीडियम में पूछे जाएंगे। एरर डिटेक्शन से कम तीन क्वेश्चन इस बार रहने वाले, जो कि बहुत ही ईजी रहेंगे, बहुत ही आसान रहेंगे। सिंपली आपको जो है नाउन, नाउन हुआ, प्रनाउन हुआ, भर्व एडवर्ब, ये सब सारा चीज़ आप जरूर से जरूर पढ़ लें। उसके बाद बात करते हैं अगला जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन रस भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आप जरूर से जरूर पढ़कर जाए। इसका मीडिएटर क्या होंगे यह भी हमें आइडिया नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर से जरूर एक बार रीड करके जाए। आइए आइए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते कि किस किस चैप्टर से, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से, किस किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एडम्स एंड फ्रेस से जो है आपको जो है तीन क्वेश्चन कम से कम रहने ही वाले, जो कि बहुत ही इजी माध्यम में आपको पूछे जाएंगे, पैटर्न में आपको बहुत ही आसान रहेंगे। अगर अगर समानार्थक शब्द यानी सिनोनिम्स अगर बात करते हैं, तो इससे कम से कम दो क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक इजी माध्यम में पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान पूछे जाएंगे, एकदम भारी भी बिल्कुल भी भारी नहीं पूछे जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ सातवां नंबर में अगर एनाटोमस के बारे में बात करते हैं यानी विलोम शब्द के बारे में, तो विलोम शब्द आपको बिल्कुल भी दो क्वेश्चन आपको रहेंगे जो कि इजी लेवल इसका जो होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अगर आगे बात करते हैं एक्टिव पैसिव के बारे में, तो एक्टिव पैसिव से भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से जो कि इजी रहेंगे, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो कम से कम एक क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे और जो कि मेडिएटर रहेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर अगर आप बात करते हैं फ्रेज सब्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर फ्रेज सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आपको कम से कम रहेंगे जो कि आपका मेडिएटर रहने वाले, यानी कि ना ही भारी क्वेश्चन रहेंगे ना ही इजी क्वेश्चन रहे, मीडियम में आपको बीच वाला में क्वेश्चन आपको रहने वाले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का हम लोग देखे जा रहे लेवल की कितना हार्ड रहेंगे कि इजी रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, वही इसमें पूछे जा रहे। दोस्तों बता दें एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जितने अच्छा से हो सके एकदम इजी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात कहते हैं स्पेलिंग करेक्शन के लिए, तो स्पेलिंग करेक्शन से कम दो क्वेश्चन आपसे पूछ ही डालेंगे जो कि ईजी माध्यम से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको रहेंगे। और क्लोज टेस्ट से कम पाँच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईजी से मीडिएटर में रहेंगे, यानी आसान भी रहेंगे और थोड़ी सी भारी भी रहेंगे। इस प्रकार से अगर डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट सारा कुछ का एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी भी पूछे जाएंगे और थोड़ी सी मीडिएटिव मतलब हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाले। एसएससी के एमटीएस जो होते हैं सबसे इजी सबसे आसान परीक्षा होते हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ रीजनिंग का ही बात नहीं या इंग्लिश का बात नहीं या किसी भी सब्जेक्ट का बात नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन जाएंगे, आसान इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी डिफिकल्टी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे आपका एसएससी एमटीएस के परीक्षा में। इस प्रकार से अगर दोस्तों अगर आप देखते हैं, तो इस प्रकार से टोटल जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मिड रेट में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मीडियम में आपका भारी भी नहीं पूछे जाएंगे और इजी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आप सभी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में कि इंग्लिश सब्जेक्ट में किस प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये जवाब कैसे लगे, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ दूसरा विषय का अगर आप चाहते हैं कि हमें बताएं कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा हम फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जान लेते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस अगर करेंगे तो किस किस पर फोकस, यहाँ पर फोकस करने वाली बात है फिल इन द ब्लैंक, जो कि पूरा का पूरा पांच क्वेश्चन आपको कवर होंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जो कि आपका क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट से भी यहाँ पर पूरा पांच क्वेश्चन आपको रहने वाले, यानी कि दो चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपसे कहीं भी छूटने वाले नहीं, 10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कि मैंने कोशिश की कि किस सब्जेक्ट से कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लेकिन दोस्तों इसका सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों मेरे लिए ना सही एसएससी एमटीएस के लिए, जरूर से जरूर नीचे कमेंट लिखकर बताइएगा। और फिर से हनी रॉय को फिर से एक बार धन्यवाद कहते हैं, हनी रॉय जी, जो कि आपने अपने
कीमती समय देकर हमारे वीडियो में कमेंट किए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। दोस्तों अगर आपके भी दिल में कोई समस्या है, कोई कमेंट है, तो नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, हम आपका जवाब किसी भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में आके काफ़ी रोमांचक बना दी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि SSC से जुड़े पल पर खबर हम इस वीडियो में इस चैनल पर डालते रहते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बेल का आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर सेलेक्ट करें। तो फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।